हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रहे होंगे। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जनरल बायोलॉजी से, दैट इज़ टैक्सोनॉमी। अभी तक हमने दो चैप्टर घटना चक्र के कंफर्म और क्लियर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को चेक करिए और लुक एट दो सेक्शंस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं टैक्सोनॉमी। उसके जो क्वेश्चंस हैं घटना चक्र के, उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, बायोलॉजिस्ट हैव सो फार बीन फाउंड एंड आइडेंटिफाई अ लार्ज नंबर ऑफ द स्पीसीज इन द प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम। इन टर्म्स ऑफ नंबर द लार्जेस्ट फाउंड एंड आइडेंटिफाई सो फार इज फ्रॉम द, तो सबसे ज़्यादा स्पीसीज किस किंगडम से बिलोंग करते हैं? वो है इंसेक्टा, इंसेक्ट्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बायोलॉजिस्ट ने अभी तक साइंटिफिकली दे एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ आर्थ्रोपॉड स्पीसीज ऑलमोस्ट अबाउट 10 मिलियन अकाउंट फॉर अबाउट 80% ऑफ ऑल नॉन लिविंग एनिमल स्पीसीज। ऑल इंसेक्ट और सारे इंसेक्ट बिलोंग करते हैं टू द ग्रुप इंसेक्टा, विच इज कॉल्ड अ क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लास इंसेक्ट रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द बर्ड स्पीसीज। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि अमीबा, असासन ए कहता है अमीबा रिप्रोड्यूस बाय फिशन। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अमीबा को हम फिशन के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं। रीजन कह रहा है कि ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, दे रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मेथड। दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड इट इज अ करेक्ट रीजन, इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असासन। सो स्टेटमेंट ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन। कोई भी अमीबा एक टाइप ऑफ सेल है और एक ऑर्गेनिज्म है विच हैज़ द एबिलिटी टू एल्टर इट्स शेप प्राइमरली बाई एक्सटेंडिंग एंड रिकटेक्टिंग द सीडो पॉट्स। एन अमीबा बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज प्रैक्टिस बाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन विच प्लांट सेल, जो पेरेंट सेल्स होती हैं, वो अपने आप को डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेती हैं। तो अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, एक टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर क्या होता है, जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी पेरेंट सेल को डिवाइड कर देते हैं टू डॉटर सेल के अंदर। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी रिप्रोडक्शन, और वी कैन से द बाइनरी फिजन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं, दे आर दोस विच आर एबल टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट एट ऑल टाइम। तो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपना जो टेम्परेचर है उसको कॉन्स्टेंट रखते हैं हर समय। अब जैसे कि वो किसी कूलर एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो वो अपनी बॉडी को हीट करेंगे और वे अपनी बॉडी से हीट जनरेट करते हैं जिससे कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट रह जाता है जाके। ऐसे ही अगर वो हॉटर एनवायरनमेंट में चले गए हैं तो ऐसे में वो अपने बॉडी के पेरस्पिरेशन करके अपने बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको डाउन कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं होमियोस्टेसिस। यही है एक्सप्लेनेशन के अंदर, होमियोस्टेसिस। क्या है प्रोसेस? दिस इज अ होमियोस्टेसिस। द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ कॉन्स्टेंट और कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? वो बोल रहा है कि जितने भी ऑल द एक्नोडर्म्स आर बेबीपेरस, जो भी एक्नोडर्म्स होते हैं वो बेबीपेरस होते हैं। बी बोल रहा है राउंड वॉर्म हैज़ अ नो सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस इज अ करेक्ट। इन बॉनी फिशेस स्विम ब्लैडर इज यूजुअली प्रेजेंट, दिस इज अ करेक्ट। इन कार्टिलेजिनस फिशेस फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। तो ये क्वेश्चन IAS pre-2002 में पूछा गया था। तो इसका स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा ए, सारे एक्नोडर्म्स बेबीपेरस नहीं होते हैं, राधा देव वो होते हैं ओबीपेरस। क्या होते हैं? ओबीपेरस। ऑल एक्नोडर्म्स, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑल एक्नोडर्म्स इज अ कॉमन नेम गिवन टू द एनी मेम्बर ऑफ द फाइलम एक्नोडर्मेटा ऑफ द मरीन एनिमल। द एडल्ट आर रिकॉग्निजेबल बाय देयर रेडियल सिमेट्री एंड इंक्लूड सच वेल नॉन एनिमल्स सच एज स्टारफिश, सी अर्चिन, सैंड डॉलर्स, सी कुकम्बर। मोस्ट एनिमल ऑफ द फाइलम एक्नोडर्मेटा आर ओबीपेरस। तो क्या होते हैं? वो ओबीपेरस होते हैं। तो बेबीपेरस आंसर नहीं होगा, वो गलत है।
ओविपेरस एनिमल क्या करते हैं, दे ले एग विद लिटिल और नो अदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विद इन द मदर। ओके, नाउ जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ फिश, इनमें से कौन सा है जो कि फिश नहीं है। तो सॉ फिश एक फिश होती है, गिटार फिश एक फिश है, पाइप फिश एक फिश है, बट स्टार फिश जो है वो फिश नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन। स्टार फिश पॉपुलरली कॉल्ड सी स्टार, स्टार फिश को हम क्या बोलते हैं, सी स्टार बोलते हैं। दे आर रिलेटेड टू द फाइलम एक्नोडर्मेटा, वेल ट्रू फिशेस बिलोंग टू द फाइलम कॉर्डेटा। तो जो स्टार फिश होती हैं वो फाइलम एक्नोडर्मेटा किंगडम से बिलोंग करती हैं, और जो ट्रू फिशेस होती हैं वो फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करती हैं। तो इसमें स्टार फिश क्या है कि वो फाइलम एक्नोडर्मेटा से बिलोंग करती है, तो वो फिश नहीं है। और सारी जो हैं, सॉ फिश है, पाइप फिश है, गिटार फिश, दे आर फिश। स्टार फिश के पास क्या नहीं होती हैं, गिल्स नहीं होती हैं, स्केल्स नहीं होती हैं, फिन्स विच आर बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिशेस। अगर आप किसी फिश को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उस फिश के अंदर एक गिल होनी चाहिए, स्केल्स होनी चाहिए, फिन्स होनी चाहिए, और जो भी स्पेसीज के अंदर जो ये चीज़ें नहीं हैं उनको हम फिश कैटेगराइज नहीं करेंगे। दे रादर बी नॉन एज एन स्टार फिश और एक्नोडर्मेटा। तो स्टार फिश में क्या क्या लैक कर रहा होता है, गिल्स नहीं होती हैं, स्केल्स नहीं होते हैं, फिन्स नहीं होती हैं। तो पांचवें का आंसर हो जाएगा ए, स्टार फिश। ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज अ ट्रू फिश, इनमें से कौन सी है जो कि ट्रू फिश है। तो वो है कैट फिश। क्या है, कैट फिश इज अ ट्रू फिश, डी विल बी द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिल्वर फिश जो होती हैं दे आर नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स होते हैं। क्या हैं, दे आर नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स, 0.5 से 1 इंच के हो रहते हैं, नॉक्टर्नल इंसेक्ट रहते हैं। देयर एब्डोमेन्स टेपर एट द एंड गिव्स देम अ फिश लाइक एन अपीयरेंस ड्यू टू ग्रेस ब्लू एंड मेटलिक साइन एज दे गेट ओल्डर। क्रेफिश इज ऑल्सो नॉन एज एन अ क्रॉफिश, क्रेफिश को क्रॉफिश भी बोलते हैं, क्रॉडेड भी बोलते हैं, मड बक्स भी बोलते हैं। दे आर फ्रेश वाटर क्रस्टिशियंस होते हैं, विच इज़ रिसेम्बलिंग स्मॉल लॉबस्टर टू विच दे आर रिलेटिवली टैक्सोनॉमिकली। दे आर द मेम्बर ऑफ सुपर फैमिली एस्टाकोइडिया। जेली फिश इज ऑल्सो नॉन एज एन ऑरेलिया, जेली फिश को हम ऑरेलिया बोलते हैं। दे आर क्लासीफाइड एज अ फ्री स्विमिंग मरीन एनिमल्स कंसिस्टिंग ऑफ अ गिलेटिनस अम्ब्रेला शेप्ड बेल। कैट फिश आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ रे फिन फिश नेम्ड फॉर देयर प्रोमिनेंट बार्बल विच रिसेम्बल एज अ कैट फिशर्स। कैट फिश रेंज इन साइज बिहेवियर फ्रॉम द हैवीएस्ट लॉन्गेस्ट मैकोंग जाइंट कैट फिश फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। तो कैट फिश इज अ ट्रू फिश, ओके, वी हैव टू रिमेंबर दिस ओनली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश, इसमें से कौन सी है जो कि ट्रू फिश है। तो वो हो जाएगा डी, दैट इज सी हॉर्स इज अ ट्रू फिश। स्टार फिश और सी स्टार, दे आर स्टार शेप्ड एक्नोडर्म बिलोंगिंग टू द क्लास एस्ट्रोडिया। सी हॉर्स इज अ नेम गिवन टू द 54 स्पेसीज ऑफ द स्मॉल मरीन फिशेज ऑफ द जीनस हिप्पोकैम्पस विच इज अ बॉनी फिश। तो सी इज सी फिश जो है, इट इज सी हॉर्स जो है, इट इज अ ट्रू फिश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश, इसमें से कौन सी फिश है। तो अभी हमने देखा कि जो सी हॉर्स है वो ट्रू फिश है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। विच इज द लार्जेस्ट मैमल, कौन सा जो है लार्जेस्ट मैमल है। तो हमने पढ़ा है कि जो व्हेल है, व्हेल जो होती है वो लार्जेस्ट मैमल होती है, ए विल बी द करेक्ट। व्हेल आर द लार्जेस्ट मैमल एवर नॉन टू हैव लिव्ड ऑन अर्थ। व्हेल रेंज इन साइज फ्रॉम द ब्लू व्हेल, द लार्जेस्ट एनिमल नॉन टू हैव एवर एग्जिस्टेड ओवर द अर्थ एट अ 30 मीटर एंड 180 टन्स टू पिग्मी स्पेसीज सच एज एन पिग्मी स्पर्म व्हेल एट अ 3.5 मीटर। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज द व्हेल बिलोंग, कि जो व्हेल है वो किस ग्रुप से बिलोंग करती है। तो वो मैमल है, जो व्हेल है वो एक मैमल है। विच वन इज अ मैमल, इट इज अ व्हेल विच इज अ मैमल, ओके, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज द लार्जेस्ट ऑफ द टूथ व्हेल्स, तो वो है स्पर्म व्हेल। सी, कौन सी स्पेसी है जो कि लार्जेस्ट है अमंग द टूथ व्हेल्स में से, तो वो है स्पर्म व्हेल। स्पर्म जो व्हेल है, स्पर्म व्हेल एक्चुअली इज द लार्जेस्ट ऑफ टूथ व्हेल विद द मेल ग्रोइंग अप टू 20 मीटर इन द लेंथ एंड द मास ऑफ द स्पर्म व्हेल रेंजेस बिटवीन 35,000 टू 57,000 किलोग्राम एंड फीमेल ओनली वेट अबाउट 1/3 ऑफ द मेल। ओके, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बर्न ले एग्स एंड डज नॉट प्रोड्यूस यंग बर्न डायरेक्टली, तो वो है इनमें से कौन सा है जो कि ओनली एग्स को पैदा करता है और वो यंग बर्न को डायरेक्टली पैदा नहीं करता है, पहले वहाँ अंडा बनेगा, अंडे के बाद बच्चा बनता है, डायरेक्टली वो बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, तो वो बोलते हैं एकिडना। एकिडना जो स्पेसीज होती हैं उन्हें बोलते हैं कि वो सारे एग्स देती हैं, न कि वो डायरेक्टली कोई यंग बर्न को प्रोड्यूस करती हैं। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। एकिडना समटाइम्स नॉन एज ए स्पिनी आंट ईटर्स होते हैं, दे बिलोंग टू द फैमिली टैकिगोग्लिसिडी इन द मोनोट्रीम ऑर्डर ऑफ द एग लेइंग मैमल्स। तो ये क्या होते हैं, स्पिनी आंट ईटर्स होते हैं एकिडना। द फोर एक्सटेंट जो स्पीसीज हैं टुगेदर विद द प्लेटिपस आर द ओनली सर्वाइविंग मेम्बर ऑफ दैट ऑर्डर एंड दे आर द ओनली एक्सटेंट मैमल दैट ले एग। देयर डाइट कंसिस्ट ऑफ आंट एंड टर्माइट, तो वो डाइट में आंट एंड टर्माइट ही खाते हैं, बट दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड विद द ट्रू आंट ईटर ऑफ अमेरिका। एक्चुअली जो ये जो आंट ईटर्स हैं वो कहाँ रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में और न्यू गिनी के अंदर। ओके, मैमल कैपेबल इन फ्लाइंग इज बैट, जो मैमल जो कि फ्लाइंग में उड़ने में कैपेबल होता है वो बैट होती है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। बैट आर द मैमल ऑफ द ऑर्डर क्रोप्टेरा हुज फोर लिम्ब फ्रॉम बेब्ड विंग्स मेकिंग देम द ओनली मैमल नेचुरली कैपेबल ऑफ ट्रू एंड सस्टेन फ्लाइट। तो बैट ही होते हैं जो मैमल्स हैं जो कि कैपेबल होते हैं कि वो ट्रू एंड सस्टेन फ्लाइट कर सकते हैं। अमंग द फॉलोइंग फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप एप्स, कौन सा जो है जो कि एप ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, तो वो हो जाएगा आपका बैट। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स सी काउ सी हॉर्स एंड सी लाइन, विच ऑफ द एबव इज आर द मैमल्स, कौन सा इसमें से मैमल्स है, तो वो हो जाएगा आपका वन एंड थ्री, दैट इज सी काउ एंड सी लाइन जो हैं दे आर द मैमल्स। सी काउ इज अ ह्यूज हर्बी पोरस सी मैमल होते हैं और सी हॉर्स जो है इज ए स्मॉल स्पेसीज ऑफ पिसिस की स्मॉल स्पेसी होती है और सी लाइन एक्चुअली इज अ मैमल होता है। तो सी लाइन और सी काउ एक्चुअली इज अ मैमल वाइल द सी हॉर्स जो हैं वो आर स्मॉल स्पेसीज ऑफ द फिशेस। सो इसका आंसर हो जाएगा बी। डॉल्फिन्स आर क्लासीफाइड इन, डॉल्फिन्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, तो उन्हें मैमल्स को क्लासीफाई करते हैं, डॉल्फिन्स आर मैमल्स। ओके, डॉल्फिन्स आर हाईली इंटेलिजिबल और इंटेलिजेंट मरीन मैमल्स होती हैं, दे आर पार्ट ऑफ फैमिली टूथ व्हेल्स, दे आर फाउंड वर्ल्ड वाइड मोस्टली इन द सैलो सीज ऑफ द कॉन्टिनेंटल सेल्फ, दे आर ऑल्सो इन कार्निवोरस मोस्टली ईटिंग द फिश स्क्विड्स। इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड द गंगा डॉल्फिन एज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन सील इज अ स्पेसीज ऑफ मैमल, सील एक मैमल की स्पेसीज, डी विल बी द करेक्ट आंसर। सील्स आर सेमी एक्वेटिक मैमल्स होते हैं, दे आर इन अ ग्रुप कॉल्ड पिनीपेड्स मीन्स फिन फूटेड, ऑल सील्स आर कार्निवोरस, सारे सील्स जो होते हैं वो कार्निवोरस रहते हैं। देयर डाइट कंसिस्ट ऑफ मोस्टली फिशेस क्रस्टासियंस एंड सेलफिश, तो आंसर हो जाएगा डी। एम्फीबियास क्या होते हैं, एम्फीबियास आर एक्चुअली एनिमल्स विच इज लिविंग इक्वली इन वाटर ऑन लैंड ऑन बोथ। तो एम्फीबिया मीन्स एम्फीबियंस, तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
तो बर्ड एम्फीबियन इज ड्राइव फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक टर्म एम्फीबियस। तो एम्फीबियन जो बर्ड है वो एंशियंट ग्रीक टर्म है एम्फीबियस, वहाँ से ड्राइव हुआ है, विच मीन्स होता है बोथ काइंड ऑफ लाइफ। वो स्पेसीज जो कि दो तरीके की लाइफ को जी सकते हैं, लैंड में भी और वाटर में भी, तो उन्हें बोलते हैं एम्फीबियंस। टर्म वॉज इनिशियली यूज एज अ जनरल एडजेक्टिव फॉर अ एनिमल दैट कुड लिव ऑन लैंड एंड वाटर। दे आर एक्टोथर्म्स होते हैं, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, मीन्स दे आर अनेबल टू रेगुलेट देयर ऑन बॉडी टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेपरेट अ मैन और अ ह्यूमन फ्रॉम द एप्स। कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि एक इंसान को लंगूर से अलग करती है? तो वो है एनवेस डिजायर टू लर्न। ह्यूमंस के पास क्या होता है कि उनके पास एक एनविस रहता है, एक डिटर्मिनेशन रहता है कि टू डिज़ायर टू लर्न, हमेशा कुछ नया सीखने की एक चाह। ह्यूमन एक्चुअली इज़ द स्मार्टेस्ट क्रिएचर इन द एनिमल किंगडम। दे आर द ओनली क्रिएचर हु हैज़ अ डिज़ायर टू लर्न एंड द एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। अमोंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट एन ऐप। इनमें से कौन सा ऐप नहीं है? तो जो गिवॉन है वो ऐप है, गोरिल्ला ऐप है, औरंगटम ये भी ऐप है, बट लंगूर जो है दैट इज़ नॉट अ ऐप, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऐप्स आर ह्यूमंस क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स होते हैं ऐप्स। ओके, दे डू नॉट हैव अ टेल्स, उनकी पूँछ नहीं होती है। इन द एनिमल किंगडम दे बिलोंग टू द ग्रुप होमिनोडिया, गिवॉन, गोरिल्ला, औरंगटन, चिंपेंजी एंड ह्यूमंस। लंगूर इज अ जनरल नेम गिवन टू द न्यूमरस स्पेसीज ऑफ द एशियन मंकीज। तो एक्चुअली जो एशियन मंकीज हैं उनको लंगूर बोला जाता है। तो लंगूर एक्चुअली में ऐप की क्वालिटी नहीं है और ऐप की कैटेगरी नहीं है। दे आर द एशियन मंकीज, दे हैव अ लॉन्ग टेल, उनकी लंबी पूंछ होती है, दे आर नॉट द ऐप्स। क्योंकि ऐप की क्वालिटी क्या है कि ऐप्स के कोई टेल नहीं होती, कोई पूंछ नहीं होती, और अगर पूंछ है तो वो ऐप नहीं है, वो क्या है, एक एशियन मंकी है। दे बिलोंग टू द सब फैमिली कोलोबिनल। स्मॉलेस्ट मैन लाइक ऐप इज गिबन। तो जो ऐप हैं जो कि स्मॉलेस्ट मैन की तरह दिखते हैं उन्हें हम बोलते हैं गिबन। ए विल बी द करेक्ट आंसर। गोरिल्ला, चिंपेंजी, ऑरेंगटन आर कॉल्ड ग्रेट ऐप। तो जो ग्रेट ऐप हैं वो कौन कौन से हैं? गोरिल्ला हो गया, चिंपेंजी हो गया एंड ऑरेंगटन जो हो गया, दे आर द ग्रेट ऐप। और स्मॉल मैन ऐप अगर बात करें तो वो गिबन है। इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर कंपेरेटिवली लार्ज साइज एंड ह्यूमन लाइक फीचर्स गिबन्स आर कॉल्ड लेसर ऐप्स, इन्हें स्मॉलर ऐप्स बोलते हैं। दे आर स्मॉल एज क्लीन एज जेंटल मैन लाइक एन ऐप। नील गाय क्वेश्चन पूछ रहा है कि नील गाय बिलोंग टू द फैमिली ऑफ वॉट। तो ये डियर की कैटेगरी से बिलोंग करती है नील गाय। नील गाय क्या है? एक लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप स्पेसी है, एशिया का एंटीलोप स्पेसी है लार्जेस्ट। एंटीलोप आर द क्रिएचर हु हैज अ स्ट्रॉन्ग परमानेंट हॉर्न्स। दे आर मोर देन 90 स्पेसीज ऑफ एंटीलोप। एंटीलोप के कम से कम 90 से ज़्यादा स्पेसीज होते हैं। ओके, ऑक्टोपस एक्चुअली इज एन मोलक्स। तो ऑक्टोपस क्या है? एक मोलक्स है। क्या है? एक मोलक्स है। ऑक्टोपस एक्चुअली इज अ सेफलपॉड मोलक्स ऑफ द ऑर्डर ऑक्टोपोडा, ऑल्सो नॉन एज अ डेविल फिश। इसको डेविल फिश भी बोलते हैं ऑक्टोपस को। इट हैज़ टू आईज, ऑक्टोपस के दो आईज होती हैं, दो आँखें, एंड फोर पेयर्स ऑफ आर्म्स रहती हैं लाइक अदर सेफलोपॉड्स, एंड इट इज़ बाइलेटरली सिमेट्रिक होती है। क्या? ऑक्टोपस। लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट इज स्क्विड। बी, इनवर्टिब्रेट इज एनिमल दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन। इनवर्टिब्रेट वो स्पेसीज होती है इनकी कोई बैकबोन नहीं होती है। द कोलोसल स्क्विड इज अ लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट। और जो कोलोसल स्क्विड्स हैं वो सबसे बड़े इनवर्टिब्रेट होते हैं। इनवर्टिब्रेट स्पेसीज और वर्टिब्रेट में डिफरेंस पता होना चाहिए। इनवर्टिब्रेट स्पेसीज वो स्पेसीज होती हैं जिनके पास बैकबोन, मतलब जो रीढ़ की हड्डी है, वो नहीं होती है। बट वर्टिब्रेट स्पेसीज वो होती हैं जिनके पास बैकबोन होती है।
तो इसमें पूछ रहा है कि लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका स्क्विड। और जो कॉलोसल स्क्विड है वो लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट है, मैक्सिमम साइज होता है 12 से 14 मीटर का। ओके, सो दिस वॉज 25th क्वेश्चन, और ऐसे 25 क्वेश्चन हमने टैक्सोनॉमी से कराए हैं, अराउंड 126 क्वेश्चन हैं, करीब 5-6 क्लासेस की आएंगी सेपरेटली। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, टू योर कजिन्स, टू अदर्स हु वांट टू स्टडी। ओके, एंड थैंक यू दोस्तों, कीप सपोर्टिंग अस एंड सब्सक्राइब द चैनल।